9 बजे आऊंगा, मेरी शॉपिंग भी लेकर आओ आप। हाँ ठीक है, और सुनो डब्बास भाई सुनो, ये लेकर आओ मेरे लिए एक कार्टन, ये देखो ये ठीक है भेज दूंगा। नरेश भाई पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई? नरेश भाई मेरे मम्मी ने 5 लाख रुपए सुमित क्या कहते हैं इससे बात कर दीपक भाई, मैं नहा लूं, मैं शावर लेता हूं फिर लेकर जाता हूं, ठीक है ना? दहा दो के इधर ही आना फिर डायरी ज्यादा लेकर। ओके 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 अच्छा मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले या नरेश से हम बात करेंगे, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई? देखो नरेश भाई, मेरे मम्मी ने 5 लाख में कमरा बुक किया था 1 महीने के लिए, बराबर जाके चुगली की रिसेप्शन पे, जिसके उसी का कमरा छोटा पड़ा। ओके तो देखो अभी दिक्कत क्या है ना कि मेरे जो पैसे है वो वहाँ पे अटके पड़े हैं रुजियाट में, मेरे कमरे 2.5 लाख रुपए वहाँ पे अटके पड़े हैं। तो उन्होंने कहा 25 दिन लगेंगे। अच्छा अच्छा, तो वो पैसे मुझे 20-25 दिन के बाद मिलेंगे, उनकी फॉर्मेलिटी होती है। तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, पैसे जल्दी से जल्दी निकलवा के दूंगा, उन्होंने कहा 6 दिन में निकलेंगे वो पैसे। तो देखो अभी कोई मुझे क्या कर रहा है, कोई मुझे क्या कर रहा है, मेरे आपकी तबीयत सही है ना? अब ये अब आराम है ना यहाँ पे? आराम है। अब आप जब इन लोगों से फ्री हो गए ना, फिर मैं आऊंगा आपके पास मिलने, फिर अपन ढंग से बैठ के मतलब यूं पूरी प्लानिंग सेट करेंगे। अच्छा तो अभी तेरी कार निकाल, मुझे अभी मिलने के लिए। अच्छा। सुन मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? मैं मेरा तू मेरा भाई है कि नहीं पहले ये बता। हाँ, हाँ भाई है यार, कैसी बात कर रहा दीपक भाई, अपना भाई है यार। ये तू मेरे को 20,000 में कमरा नीचे रिसेप्शन पे कर। इधर रिसेप्शन पे करना है क्या पे? अरे भोसड़ी का नहीं तो मुझे पे करना, किसको भी मैं जाके नीचे पे करूंगा। ठीक है ठीक है। दीपक को कितने 15 दिन हो गए होंगे, ठीक है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का इसका खर्चा आ गया होगा, कम से कम 30 लाख का, 8-9 लाख तो बार में खर्च हो गए सैम भाई। शैंपियन शावर 20-25 शैंपियन बाल्टियों में यूं फेंक फेंक के मारी दीपक भाई ने। हेलो हाँ भाई, मैंने तुझे मेरे घर पे कितने दिन रखा है ये बता पहले। सैम भाई मैं रुपए डालने इन्होंने बहुत मेडल जीते, ओलंपिक्स में भी जीते हैं, वो कह रहे मैं भेजूं क्या? भाई देखो मेरे भाई दे देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है। मैं तेरी अभी स्टोरी लगाता हूँ, भी हो जाएंगे 20,000। मैं कह रहा हूँ तेरा हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ पे आज, मैं देख तेरे पेटीएम करवा दूंगा, पेटीएम नंबर दे दियो अपना नीचे। ऐसे तो मैं 1 करोड़ करा दूं दीपक भाई बोले तो मेरी लाइफ पे। नहीं मैं गरीब हूँ। अरे यार सुन, पेटीएम पेटीएम नंबर तेरा नीचे लिख दूंगा, ना हुए तो तू बोल दियो जा। ओ भाई जी दीपक मैं तो आपके साथ और मेरा फैमिली शॉवर करेगा तो हाँ बिल्कुल दिन का खर्चा। अरे कहाँ से करेगा, भाई के सर पे तो बाल है नहीं, बता का बाल है ना, सुनो बाल ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है यार सैम भाई। मन है नहीं मन है, ये देखो भाई मान कपड़ा, देखो स्विमिंग पूल वाला कमरा लिया है भाई ने, ये देखो पूल वाला स्विमिंग पूल वाला कमरा है ये ताज का। सैम भाई बाल तो आपके भी उड़ रहे हैं आगे से भाई, मेरे हल्के हाँ उड़ रहे हैं भाई मेरे बाल, लेकिन आगे आगे छज्जा आएगा बालों के आगे छज्जा। उसके बाद में जियागर विनीत सरदाना रोबीरेक वगैरह हम लोग वहां से निकले, वो अलग कार में थे, मैं दूसरे कार में था। मैं जियागर को कॉल पे लेना चाहूंगा क्योंकि वो वारदात है, जियागर वारदात थे भाई यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे मेरे ऊपर 12 शैंपेन उछाली गई, तो ये लोग मेरे को यहाँ तो कम मिलती है अपने इंडिया में, बाहर से आती है ये, और इसके जब झाग बना के उड़ाते हैं ना लंबे झाग जाते हैं उसके। अभी अपन सुनो और यहाँ तो लोकल बंदे पता है क्या करते हैं, बियर को चैंपियन में डाल देते हैं खाली बोतल में, फिर उसको उड़ाते हैं, तो यहाँ लोग सोचते हैं अरे यार चैंपियन उड़गी चैंपियन उड़गी। अरे मैं बताता हूँ, अमेरिका में चैंपियन की औकात है 200 रुपए, इंडिया इंडिया में पहुंचते पहुंचते 10,000 की हो जाती है, दीपक को पता है। यहाँ पे चार चार कार की, उसको मैं कॉल लगा रहा हूँ, जिसकी जो कार का मालिक है उसको कार लगा, फोन लगा रहा हूँ मैं।
भाई दीपक का एक्सीडेंट हुआ है, दीपक को किसी ने नहीं पेला, ठीक है, सभी अफगाहें हैं कि दीपक को मारा गया है, पीटा गया है, इट्स ऑल अबाउट दीपक गॉट इंजर्ड। कल एक लाइव पे यूं बोल रहे थे कि कार में बैठने के बाद है ना राइट साइड में चोट क्यों लगी, लेफ्ट में लगती, माथे पे लगती, बैलून खुलता, हर कोई है ना ये बोल रहा था, मैंने कहा नहीं सही में एक्सीडेंट हुआ है। अरे इसको कर देंगे दीपक का, कर देंगे दीपक अपना जाने, कोई दिक्कत नहीं दीपक। यार सैम भाई आपके तो एनसीआर में टोरा चाले से यार, आप भी थोड़ा सपोर्ट करो यार। अरे यार शर्मिंदा मत कर यार, शर्मिंदा क्यों कर रहा है भाई, दीपक अपनी जान है यार, कैसी बात कर रहा है दीपक, क्या हो जाएगा यार, देखो मानो बात को, जितने होंगे वो जाएंगे दीपक के करवा देंगे। दीपक बढ़िया, ये परेशान है यार ये दीपक यार, इसके मतलब पैसे ऐसे फंस गए हैं होटल से निकाल, बताना मेरे साथ कितनी बड़ी घटना हुई है, ये मजाक समझ रहा है, भट्टे पे बताना क्या हुआ है दीपक, इसके भट्टे पे लोंडा मर गया है 17 साल का, सुनो दीपक 7 साल का लड़का भट्टे की रोशनी में आके नीचे एक्सपायर हो गया। दीपक बहुत परेशान है, हम नहीं चाहते भाई ये पटरी पे से। 800 रुपए टीप और भाई सर्विस अच्छी देना, इनकी चाय आने में इतना टाइम लगता है भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ, तुम्हें पता है आपने कितने घंटे लगा दिए मुझे चाय देने में? अरे भाई देख यार, मैं ना 1 घंटा लगा दिया, अच्छी सर्विस दो आप, बाकी देखो आप लोगों का बिहेवियर नंबर वन, मतलब ताज के लोगों का बिहेवियर। अच्छा मुझे जरा चीनी डाल दो, मैं क्या लगाऊंगा, आप ये डाल दो क्या बोलते हैं, हाँ सिंपल चीनी डाल के 2-3 चम्मच डाल के गिरा के दे दो, और मुझे ना जरा वो जो ग्लास है ना उसमें देना चाहिए, ग्लास में ग्लास देखो कोई है क्या, आप एक काम करो बिस्किट ग्लासेस वगैरह लेकर आओ। तो भाई जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहूंगा कि भाई मेरे बारे में पता नहीं अफवाह क्यों फैल रही है मोहित। दीपक दीपक ये जो नारंग बैठा है ना नीचे, ये नारंग नारंग ये गंजा, ये सबसे ये लाइव पे जाके बोल रहा है, इससे लोग पूछते हैं कि क्या हो गया दीपक को, तो कह रहा मुझे नहीं पता एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ है, ये यहाँ आके देख कुछ और बात बोलता है। मोहित भाई आपके ना बट्टे पे मौत हुई है, ऐसी बातें मत करो, कंट्रोवर्सी मत करो, मैं कंट्रोवर्सी की बात नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। एक तरफ का आदमी मर गया 17 साल का, आदमी मरेगा कुछ ना, आदमी जो इसकी जितनी लिख रही है तो लिख रही है, मैं तेरे से बता रहा हूँ, आपको आदमी मरने का दुख नहीं है, आपको ये बातें करनी है। अबे तो जब मैंने बोला तो जब तुझे मैं तुझे एक बात ये बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन, तू और टकले और सुन और टकले, वैसे तू तो यहाँ पे आके इसके टट्टे चाटता है दीपक के, दूसरों की लाइफ में दीपक के नाम के हवाबाजी करता है, अबे तो जाना इसके पास, अबे इसके पास जाना। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कार में बैठे थे राइट साइड में आपका हुआ, तो लोगों ने पूछा कि यार ये एक्सीडेंट नहीं है, तो मैंने कहा यार अरे यार उसके तेरी बात तो सुनो, देखो हमारी ये लाइव ताज वाले देखते हैं ताज का साहब, हां ऐसे हाथ जोड़ के एक तरफ आदमी मर गया, ऊपर से फिर ऐसी बातें करने से तो नहीं यार, ये दीपक के वाकई में चोट लगी है एंड ही इज नॉट लाइंग अबाउट इट, और ये देख मना तोड़ी करो, इसके होंठ फटे हुए हैं, ये देखो नीचे से इसके वो लगाया है। देखो मेरी लाइव है ना, यहाँ का स्टाफ देखता है बिल्कुल, वही बहुत अच्छा है भाई, आप यहाँ पे गाली करो। और सुन सुन सुन, तूने नीचे कैसे किया भाई, तूने नीचे सुन, एक मिनट सैम भाई, तूने मुझे नीचे क्यों किया भाई, तू मुझसे आराम से बोलता, तू सुन मैं तेरी लाइव का भूखा हूँ, चल भोसड़ी के आज के बाद तेरी लाइव में नहीं आना, तू नीचे फेंक रहा बहन चोद, मेरा स्टाफ देखता यार यहां पे स्टाफ, अरे मत तो तू मुझे आराम से बोलता ना, फिर मैं क्या थे गाली गलौज करने वाला बंदा है भाई, अरे मोहित गाली वाली मत दे यार, अपन तो भाई भाईचारे में चल रहे हैं और फिर ये मेरे को बोल रहे हैं यार स्टाफ देखता है मेरी लाइव भाई, पता है रोजी हट में बोल ना हम आपकी लाइव देखते हैं, गाली गलौज चलती है भाई पे भाई, ऐसे पता रोजी हट में मुझे अभी भाई मेरा ताज में मत खराब करो। भाई आपका टोरा चलता है एनसीआर में, आपसे ना ये दीपक भाई के लिए बिल्कुल पेन लेके थोड़ा सा, और कल आप करते हैं दीपक दीपक की हेल्प करते हैं, कोई नहीं आजा लाइव पे गाली वाली मत दियो, मना कर रहा है ना यार, हाँ यार। उसको थोड़ा नहीं तो कभी भाई मोहित भी तो हमारा, हमको ही यूं थोड़ी यार मना थोड़ी ना करता यार ये, हाँ। मतलब अभी देता है गाली बट अभी मना हाँ। कर रहा है, रहने दे अभी, इसको देख रहा होगा ना कोई इसलिए मना हाँ। कर रहा है, उसको क्या लग गया मोहित को ऊपर से गाली भाई, मैं गाली तुझे तो दी ही नहीं है, मैंने इससे बोला।
वो सुन रहा था, वो यहाँ पे भाई स्टाफ सुनता है। अच्छा चल ठीक है भाई, ठीक है, हाथ मत जोड़, तू अपना अपना भाई है, पर मैं इसको ये नीचे ये नारंग बैठा है, इतनी हवाबाजी वाली बात करता है ये भाई। एक बात बताओ सैम भाई, सैम भाई एक बात ये बताओ, ये नारंग इतनी बड़ी बड़ी बातें ठोकता है, ये करता है वो करता है, तो इसको ये नहीं होना चाहिए कि क्या नाम है कि भाई इनको वो इसको दीपक को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करे, इसके पास मिलने आया ये दीपक, मैं ये बोल रहा था यार, मैं गरीब घर से हूँ, मैं कोई बड़े बाप की औलाद नहीं हूँ, मेरा बाप है ना बहुत छोटा आदमी है, मैं भी छोटा हूँ, आप बड़े होंगे, आपके पास जमीन है, मेरे पास नहीं है। नारंग यार तेरा पलंग तो 2 लाख का लग रहा है जिसपे बैठा हुआ यार, यार देख झूठ मत सुनो, नहीं झूठ मत बोलिए यार, पलंग देखना अपना यार, गरीब होता है तो उसके सोफे फटे होते हैं यार, तेरा तो देख चमक रहा है। अरे वही तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा चल मैं ये बोलता हूँ नारंग, मैं चल तेरे से ये बोलता हूँ, चल ठीक है तेरे पास पैसा नहीं है, कम से कम दीपक तेरे से इतना प्यार करता है, तेरे को लाइवों पे लेता है, तेरे से अच्छे से बात करता है, स्वास्थ्य देखने तो आ, मेरी बात सुनो, गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, सलामी तो 21 तोपों से ही होगी। तो कहने का मतलब ये, तेरा कहने का मतलब हवाबाजी मैं करता हूँ भाई, मेरे पास बहुत पैसा है यूं दिखाने के लिए कि मेरे से ना ये व्यूअर सेट हो जाएं, ये मेरे खास हो जाएं, पर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सिर्फ दिखावी हवाबाजी यहाँ पे करता हूँ क्योंकि ये इंस्टाग्राम है, इंटरटेनमेंट 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 इंटरटेनमेंट, हाँ मतलब आप बोलो सैम भाई, वो इंटरटेनमेंट मेरी इंग्लिश लोगों को अच्छी लगेगी ना, मैं भी तो थोड़ा सा बोलूँ। अच्छा तो मतलब यहाँ पे दीपक का फेम खाने आया, दीपक की मदद करने नहीं आया? अच्छा सीधा बोलना, इनकी मम्मी का फोन आया था, इन्होंने कहा मेरे बेटे से बात कर लेना, मैंने की बिल्कुल करूंगा, इन्होंने मेरी 4 बार बात कराई, मैं इसलिए इनका हेलो हाय हाल चाल पूछ रहा हूँ, मैं बराबर इनकी टच में। अरे कुछ बोलना चाह रहा है दीपक, बोलना चाह रहा है, एक मिनट रुको दीपक, प्लीज प्लीज दीपक से, की हमने 15,000 में ऑडी बुक की थी, हम लोग 15,000 में ऑडी भी, हमने 2-3 लाख की मार्को भी, आपको खुद पता है। हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच है, अभी देख रियली प्रॉब्लम है, मैं तुझे सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे मम्मी ने मना किया है पैसे देने के लिए और मेरे रोजगार पे 2 लाख अटके हुए हैं, तो मम्मी कमरा, अगर भाई देख मैं तुझसे ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, मुझे मोबाइल अभी चालू मुझे गाय पे तो 20,000 अभी पेटीएम कर दे, अरे अगर भाई मानता है करूंगा तो इसी फोन से, मैं तुझे मना करता हूँ, तूने मेरे से 1.5 लाख बार मांगी, मैंने तुझे मना किया क्या ये बता? अच्छा सुन, अगर मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ तो मुझे तुरंत कर देगा, पैसे जरूरत है मुझे अभी। अरे तो कर दूंगा, तू कल डिस्कनेक्ट करना, तू मेरे से पहली बार ले रहा है, तुझे तो मैं हमेशा देता हूँ, जब तू मना थोड़ी ना करिए, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दूं, यू कर दूं, जब कह दी जुबान है तो जुबान है, कर दूं मतलब तब मैं तुझे लूंगा, तब तक तू कर। अरे भाई कितना कॉफर है सैम भाई, भाई बड़ा कॉफर इंसान है मोहित भाई, देगा मोहित कर देगा, भाई कर दो यार, आप पैसे वाले बंदे हो यार, भाई आप मेरे भाई हो, तेरे तो बाल उड़ गए पैसे कमाते कमाते, खर्च भी तो और है, मेरे तो बच्चे हैं 3, उनको पढ़ाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है, लाइट नहीं, हमारा क्या घर बार नहीं है, हमारा तो घर बार है नहीं, तेरे बच्चे हैं, सिंगल हो यार मोहित भाई, आप सिंगल हो, आपके कच्ची ना बच्ची नींद आए अच्छी, आप सिंगल हो, हम आपको लेकिन आप मुझे वचन दो कि आप यहाँ पे लाइट नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे, हाँ बोल तो दिया भाई, कर दूंगा तो कर दूंगा, मुझे अभी बहुत लोगों को पेमेंट करनी है, कर दूंगा अभी आया हूँ मैं, अगर भाई मानता है भाई मेरे को कर देगा, भाई इसके जितना कातिल आदमी नहीं देखा, ये मेरा ये चीज का फायदा देखता था कि किस टाइम ये नशे में होगा, किस टाइम इसे फोन करना, भाई पता फोन कैसे करता था? तेरा भाई बहुत बीमार है, पैसे डाल। अच्छा मैंने कहा दीपक क्या हुआ, कह रहा मो पैसे डाल, तेरा भाई बहुत बीमार है। अरे इसका तो एक तो वो करोड़पति भी तो सूबेदार जो एक जो लबा लोगों यूं यूं करता है वो भाई, एक सूबेदार और सोहेल नंबरदार, हाँ वो भी तो बहुत पैसे वाला है, वो तो इसका पूरा होटल खरीद देगा, है ना? नहीं वो लड़का अच्छा है भाई, वो बहुत अच्छा लड़का है सैम भाई, बहुत अच्छी आदत है उस लड़की, नहीं अच्छी आदत है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसने भी मतलब काफी दीपक पे खर्चा किया है, हाँ, उसने दीपक से प्यार करते हैं ना सारे भाई अपने जितने भी हैं, एवरीबॉडी यू नो दीपक से प्यार करते हैं, दीपक पे भाई खर्चा करते हैं। तेरा कोलैब का वो डाला था, उसमें कोई आया कोई अच्छा सा कस्टमर तेरा? नहीं 1 रुपया भी नहीं कमाया दिल्ली में भाई दीपक, लेकिन तेरे तो गाना वाना भी आ रहा है मैंने सुना है भाई, सही बात है? ये बात सच है, हम लोग ना शूटिंग करने जा रहे थे, लेकिन अभी दाग अगर चले गए फिर हम लोग शूट करेंगे। अच्छा इसके दाग आ गए ना, तो ये मेकअप से हट जाएगा ना, वो लगाते हैं ना कुछ उससे हट जाएगा ये? अभी ट्यूब लाया है, इनफैक्ट मैंने एक नर्स भी रखा हुआ है यहाँ पे, वो नर्स मेरा सब ख्याल करता है, मुझे दवाइयाँ देना। अरे और मुझे और एक बात सुन ले दीपक, तुझे एक चीज पता लगी, बल्लू नहीं था बल्लू पहलवान, हाँ हाँ उसके 25 गोली मार दी, खत्म कर दिया, पता नहीं है तेरे को ये बात भाई? कर दिया, जिम से बाहर आ रहा था जो बल्लू पहलवान था, जो हमारी लाइफ पे आए थे भाई, ही इज नो मोर,
दीपक 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 से मिला था ना बल्लू भाई हमारा, तो दीपक को बता देता हूँ। दीपक भाई थोड़ी वो प्रेयर कर दियो बाद में लाइव वाइव खत्म करके ना थोड़ा, है ना। देख दीपक तू दिल्ली आया तेरा मोस्ट वेलकम है, हमारे सैम भाई दिल्ली आ रहे हैं, सैम भाई का मोस्ट वेलकम है। बस दीपक कब तक है अभी दिल्ली में बता। अरे जब कैसे है ना एक्चुअली प्रॉब्लम, मेरे जैसे रोजियार से 2 लाख रुपए निकलेंगे ना फिर नहीं है, लेकिन अभी कैसे है ना कि अभी मुझे एक्चुअली 2.5 लाख की जरूरत थी। एक मिनट जस्ट वेट, मैं नीरज राघव को कॉल कर रहा हूँ। मोहित भाई थोड़ा फेस है ना कैमरे पे रखो, स्क्रीन शॉट लेना मुझे। अरे हाँ तू स्क्रीन शॉट ही ले ले, तू फॉलोवर भी ले ले, तू सब ले। मोहित भाई स्टोरी लगाऊंगा मैं यार। यार भाई नारंग वाकई में बड़ा भाई, बहुत अच्छा लगा वाकई में। अरे यार सैम भाई यार समझो ना यार, कभी कभी याद तो आएगी ना यार। किसकी स्टोरी की? हम क्या वेंचो माला चढ़ाएगा हमारी स्टोरी पे? स्टोरी पे माला चढ़ाएगा हमारी? नहीं सुबह मिलेंगे पेमेंट, सुबह सुबह पेमेंट सारी सुबह। अरे नारंग भाई पेमेंट सारी सुबह। अटक के नहीं बोलता है वैसे, अटक के नहीं बोलता है सुबह भाई सुबह। हां है नारंग, अटक के नहीं बोलता मैं अटक के नहीं बोलता, मैं फास्ट भी। जवान तू तला रही है तेरी? नहीं नहीं तू तला। हां जी सुन मैं क्या तुझे कह रहा हूं, मैं अभी लाइव तुझे नीचे बिठाता हूं और मैं तेरा पेटी तेरे पैसे आने में दिक्कत में हूं अभी बहुत। कर दे कर दे नारंग, कर दे देख 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 कर नारंग कर दे यार भाई अपना नहीं। कोई नहीं मेरे से ले लियो तू चाहे बाद में, कोई नहीं कर दे बस। और भाई है तू कर दे ठीक है यार। बताए बताओ 3 लाख की तो कैसे की आंच होती, और मेरे 5 लाख का कमरा किया था वो बेंचो पैसे अटक गए वहां पे। नारंग बैठ जा फिर बाद में फेम खा लियो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको पेटीएम कर दे भाई, इज यू नो ही इज इन बैड सिचुएशन राइट नाउ। नहीं फेम तो पूरा सुनो, फेम तो पूरा खा दो। मोहित भाई जाऊंगा पहले, मोहित भाई भी तो करने जा रहे हैं। अरे वो भाई का भाई मोहित इतने से निला दिया पैसों में, किसी ने नहीं हिलाया होगा पूरे इंस्टाग्राम पे। मोहित भाई की तो जमीन ही करोड़ों रुपए बिगा है। मोहित भाई तो पैसे वाली फरक क्या देना से परसों क्या दे परसों करवा, मुझे नहीं पता क्या कह रहा नारंग। मोहित भाई तो बहुत पैसे वाली फर्म है, करोड़ों रुपए बीघा किले की जमीन है इनके पास, हल्के में मत लेना आप। सुन ओ भाई ओ सुन मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ नारंग, नारंग भाई अभी तुम नीचे बैठ सुन देना भाई। नारंग नीचे बैठ जाए एक मिनट फिर आ जियो नीचे बैठ। तू जैसे तू ऊपर आएगा ना ऐसे बोलना डन। नीरज राघव भाई लाइव पे आ, मोहित कर दे इसकी हेल्प है भाई परेशान हुए नहीं तो ऐसे। अरे भाई अपने से कर दूंगा मैं अपने आप, इसको पता है कि मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसे जब दिखूंगा ना फुल सेट तब करूंगा इसे, तब कर दियो इसे कोई दिक्कत नहीं। सुन भाई मैं दिक्कत में, अगर भाई मानता है 50,000 जो मैंने तेरे को बोला है भाई अब भी पेटीएम परसों मेरे को मैंने तुझे हमेशा भाई बोला, अब तू समस्या में है तो मुझे 10 मिनट दे दे, मैंने बोल दिया ना हो जाएगा खत्म कर टेंशन फ्री है। मैं किसी के साथ बैठा हूँ 10 मिनट दे दे इनसे फ्री हो गया ना तुझे मैं करा दूंगा खत्म कर। रोज यार्ड में सबसे पहला कमरा बुक तुमने मेरे लिए करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तूने जो भी मेरे लिए करा वहाँ पे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिल से धन्यवाद यार। और आपने 1 लाख रुपए में जो मेरा शैंपेन शॉवर किया। अरे रो मत यार दीपक यार, अरे यार दीपक ये छोटी बात नहीं यार, छोटी बात नहीं। और शो को छोड़ दिल्ली का जो तुझे पसंद आ रहा उसमें स्टैंपिंग सोवर मेरी तरफ से दोबारा है, लाइव पे बोल रहा तेरा भाई दोबारा है तेरे लिए। और बता, और ये जो आज तूने मेरे लिए काम बोला छोटा सा, ये भी 10 मिनट बाद काम हो जाएगा, मैं किसी के साथ बैठा हूँ इनके बाद में 10 मिनट बाद तेरा काम हो जाएगा। हाँ ठीक है टेंशन मत ले मेरे भाई, अभी आप मुझे मिलके जाना ताज में, दोगी मेरे साथ रहके सुना दी। बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, एक तो चिकन बोलिया चिकन टिक्का है, एक चिकन टिक्का एक बोल दो मैं भाई के साथ हूं, अपने बड़े भाई के साथ इनसे कुछ काम के लिए आया हूं, उसके बाद तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा यार। देख मेरे रोटी सुनो वहां पे कुछ मैंने खाने की रोटी भाई, बेफिक्र हो जा टेंशन फ्री हो जा, मैं कहीं पे आया हुआ हूं उसके बाद 10 मिनट बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, बेफिक्र हो जा। ये ले 70,000 हो गए, 20,000 इसके 50,000 मत कर दीपक, तू हंसता हुआ चल के गया मत दीपक, डोंट क्राई प्लीज भाई, हाथ सौंप भी बोला दे दीपक, तू कहीं जाइए मत ना, तू वो करता रहे सर्विस सही ठीक है, मैं कहीं बैठा हूं बाद में आऊंगा बाद में। हां भाई दीपक हो जाएगा भाई तेरा बस, रो मत भाई रो मत बस तू।
अरे कितने पैसे इकट्ठे करेगा, क्या हो गया तेरे को, कितने और सही है? अरे यार मेरे को क्लबिंग भी करना, बेटर आता है उसको 500 रुपए दे देने, बताओ फिर बहन ऐसे लोगों से मांग के देगा क्या सब? अब कितने पैसे और इकट्ठे कराने थे, ला फोन करता हूं एक दो जगह, कितने पैसे की जरूरत पड़े यार ऐसे? मेरे को बेटर को पैसे बांटने, उसके पास में रशियन लानी मेरे को भाई, मेरे को भी। अच्छा दीपक चल तेरे तेरे पास एक काम करूं, चल भाई मैं तेरी लाइव में बैठा हूं, भरी लाइव में, तेरे लिए एक काम करूं बता भाई, मुझे ना ये अपने जो दोस्त है वो मुझे देंगे, मेरे को भाई किसी अरे नहीं चाहिए। यार मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूँ, सुन तो ले पहले, तुझे 300 की दो गड्डी भिजवा दू, कोरी बिल्कुल नई गड्डी, मतलब 20,000 रुपए 10-10 की 200 की दो गड्डी भिजवा दू बिल्कुल कोरी। कर देंगे इसका कोई दिक्कत नहीं, दीपक तो खुश हो जाए, पप्पी दे सबको के लिए आने वाले, क्या घर से निकले नहीं? अरे निकल रहा हूँ मैं, नहा लिया शावर तो ले लिया, मैं नहा रहा हूँ। और सुनो डबास भाई, हाँ आज का डिनर मेरी तरफ से आपको होटल में ये सैम भाई, फिर मैं सैम जितने देगा उतने का बिल बना दूंगा, तो मैडम को भी लेके आना, आज का डिनर मेरी तरफ से आपको। इतना गुस्सा हुआ क्या तू? सुनो अरे तू हमें एक पप्पी दे दे बस, और दीपक आज का डिनर तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए, ऐसा बोल। दीपक सैम समझ गया ये बातें। दीपक कर दो, कर ले नीचे कोई बैठा हो, ऐड कर ले मुझे बता दियो। लेकिन आप भेज रहे ना रिसीव? अरे फोन कर लिया लाइव करने के बाद, भेज दूंगा। सुन भेज दे, क्या क्या टाइम हो रहा, क्या टाइम हो रहा? अभी टाइम हो रहा 8 है, 8 बज रहे हैं, मैं 11 बजे तक पूरा दूल्हा बन जाऊंगा, सज जाऊंगा मतलब, ठीक है? फिर तू इसके लिए भी रूम बुक करा दे। अरे अरे यार मैंने भैया, ओ भैया मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ इस टाइम, इतनी प्रॉब्लम है सबको पता है कि मेरे बट्टे पे एक 7 साल का बच्चा मर गया, मैं उसके चक्कर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम में भाई, भाई इसकी कुंडली में शनिवार बैठा है मेरे ख्याल में, कोई दिक्कत चल गई भाई तेरे पे, 2024 बहुत हैवी हो गया है, किसी ने फाड़ दी तेरी आवाज भाई, करो इसका कुछ। तरुण गुजर 0011, ओके ब्रो। चल दीपक ठीक है, आप तरुण मुझे मैसेज कर। चल दीपक ठीक है भाई, हाँ भाई की हेल्प करो करो भाई, सब लोग बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, तन मन और तन मन से साथ भाई के भाई, हम तो बिल्कुल। अरे तन मन और धन का पे गया, तन मन धनी धन, अरे धन बताते थोड़ी है, बढ़िया वाली फीलिंग समझेंगे, बताएंगे थोड़ी धन। सैम भाई पता नहीं कैसी, बस सबको लाइव में बता दे तू, मेरे लिए सैम ने ये किया, मेरे लिए वो किया, बोल मत नवाज भाई, तुम कहां दिल्ली चेक करियो? हां दिल्ली से देखो, पेटीएम चेक करियो, बैलेंस आया कुछ? मैं देखता हूं रुको एक मिनट, अगर बे तो बोलना मत यहाँ पे, ना तो ना बोलनी ना हाँ बोलनी, बस मुस्कुराना है, हंस के दिखा दे, जितनी बड़ी हंसी होगी उतनी बड़ी रकम होगी। देखते हैं अभी स्माइल से पता लग जाएगा दीपक की कितनी तगड़ी स्माइल है। पापा हेलमेट, अभी चलते हैं, रुको 10 मिनट, अभी ऐसे नहीं छेड़ते इसको, टच मत कर, नहीं आया फिर मैंने बोला था हंसना हंसना, बस मैंने क्या बोला था, हां बस थोड़ा सा इंतजार भी किया रहो, प्यार मोहब्बत में इंतजार भी जरूरी होता है दीपक भाई, तू अपनी जोन है, मान सम्मान, नहीं आप लेके नहीं आए दूर होने चाहिए सारे कल। अरे मैं अपनी जान अपनी वो नहीं है क्या? अरे सच्ची बताओ मेरे, अगर उसी आठ में 2.5 लाख नहीं अटकते थे ना भाई, मैं बोलता भी नहीं था किसे मारता। अरे तू चुप रहना, ये बातें मत करना, अच्छा थोड़ी लगता है, जिसने तेरी मदद करनी कर देंगे, सैम भाई बैठा के लाभ बहुत है, इधर तुमने बोल दिया मोहित को, इधर हम बैठे बात करते हैं, और सैम इसको क्या चाहिए? सही बात है, कुछ दूरी नारंग आता है भाई, बिल्कुल दबास भाई सही बात है, बिल्कुल मैं नारंग को फोन करता हूं, नरेश नारंग को हां सही गन, उसको पकड़ना वो भाई को, यार तू उसको क्यों पेल रहा है, वो बिजनेसमैन थोड़ी है वो यार, ऑफिशियल आदमी है, कौन को नहीं, मैं इसको नीरज ये अपना नरेश नारंग को ले रहा हूं मैं, कॉल कॉल नीरज को लाइव पे, नीरज को लाइव पे, अभी 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 कैसा है नीरज को लाइव पे, लाइट बंद कर लिया, नहीं नीरज कर वो कर रहा है, वो 10-15 मिनट में कर रहा है, वो बोल रहा था मैंने कहा गुल्लर या, अरे उसको बोला भी बोलता हूं ना, करेगा तेरा काम खत्म, पनोड़ी भाई आएगा, ओ पनोड़ी भाई कुछ रोजियाट होटल है ना उधर, मेरे 2.5 लाख रोजियाट में 17,000 बोल रहा था, अभी 3 दिन पहले 2.5 लाख हो गए यार, समझ नहीं रहे हो पनोड़ी भाई, आप इसकी मतलब सारी बात सच लाइव पे बुलवाओगे, आपने हार नहीं दो
भी बात है। लेकिन इसने खुद अभी चार दिन पहले 17,000 लाइव पे बोला है, ये अपनी बोली हुई बातें भूल जाता है भाई। अरे आज आज $17,000 हाँ चलो 2,50,000 तो क्या हुआ? देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं घर पे ऐसे नहीं जा सकता हूँ, मेरी अभी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और मेरी मम्मी को लोगों ने कहा कि इसका गलत हुआ है। अच्छा पन्नोड़ी भाई, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आप जो ऐसे कह रहे हैं ना कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, भाई माँ कसम हम लोग कल विनय भाई पर वारदात में गए, वारदात है विनय भाई और वो जिया करके एक लड़की है भाई, 6 वारदात सबने मुझे कहा कि ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ और जो बंदे की कार है उसको कॉल लगाता हूँ उनको एक मिनट जो। अरे यार मैंने कब बोला तेरी यार, देख सुन दी बहुत यार। अरे पन्नोड़ी ने किसको बोला है भाई? मैंने किसी को बोला ही नहीं भाई। किसने बोला? मैंने, अरे मैंने दीपक कल तुझे ये बोला कि जिन लोगों ने ये स्टोरी लिखी है ना एक्सीडेंट वाली, वो लोग पकड़े गए हैं सरेआम, तेरे राइटर को बोल के अच्छी स्टोरी लिखे। मैंने ये बोला तुझे। अरे तुझे पता है अगर तू मुझे ना भाई 2,00,000 दे देता ना, मम्मी की कसम मैं घर पे जाके दे देता और मेरे रोजगार से पैसे भी निकल। अभी विनीत ने बोला वो पैसे निकाल रहा है, उसने बोला 25,000, विनीत ने बोला 7 दिन लगे, विनीत ने 7 दिन में कर दिया है। मैं वो बंदे को कॉल करता हूँ अभी, जो जिसके कार में मेरा हुआ उसको मैं कॉल करता हूँ। अरे पन्नोड़ी कितने घंटे सोया तू? अभी तो सोएगा आज तो पन्नोड़ी भाई ने 15 डिश बना रखी है भाई, कोई गेस्ट आने वाले लग रहा है मुझे दिन में आज। अरे भाई पन्नोड़ी, हाँ भाई बताओ कितने घंटे सोया भाई तू? पन्नोड़ी हाँ बता भाई, मानता है कि नहीं बता तू मेरे को? अरे भाई मैं तो मानता हूँ ना, 9 साल से। 50 कर दे अभी पन्नोड़ी। कितने? 50 कर दे। 50 तो साले ऐसे बोल रहा है कि 50 रुपये हो यार। 50,000 कह रहा ना इंडियन करेंसी। पन्नोड़ी भाई अपनी जॉन है, अपना ये मेरे कुछ नए कॉन्टेक्ट हुए दिल्ली में, बहुत बड़े लोग है वो, ठीक है। तो कल मैंने 1 से 50 नंबर पे मैंने लगाए है 2,50,000 रुपए। अच्छा, तीसरी गेम में मैंने लगाए है 1 से 50 नंबर में, मतलब 1 से 50 नंबर मेरे, 1 से 50 में से कोई भी नंबर खुला ना कल दीपक तो मुझे 4,50,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा हाँ। अगर मेरा नंबर खुल जाता है कल तो भाई मैं तुझे 50,000 दे दूंगा, प्रॉमिस यू। अरे क्या चुटकी अभी मैं तेरे को चल मुसुड़ी के अभी पैसे दे मुझे साले, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, कमाऊंगा तब तेरे जेब में भरूंगा ना। अरे यार फालतू की मत कर यार, तेरे को पता है मेरा दिन का खर्चा 40,000-50,000 यहां पे मुसुड़ी के। ओ यार देख 50 दे यार, मेरे को जरूरत है 35,000 रुपए का, तो उसका कमरा है दीपक का। ओ बहन जो $1,000 खर्चा है तेरे दिन देख का। अभी देख अभी देख पन्नोड़ी, दिखाता हूँ तेरे को। अरे दिखाइए जरा दीपक, जरा वो दिखा दे स्विमिंग पूल जरा खिड़की से एक बार भाई। अपना होटल हल्के भी ले रहे हो क्या दीपक को यार? देख ये देख, ये देख भाई दीपक वो दिखा दे जरा स्विमिंग पूल दिखा दे। अरे टब भी इसमें से भाई, टब वाला ले रखते हैं। ओ में थोड़ी आया हुआ है भाई दबाज भाई, ओयो में थोड़ी आया हुआ है। ना ना बिल्कुल, ये देख लो देख लो, ये इन्हीं वाले का सारा स्विमिंग पूल है। पन्नोड़ी हाँ मिलके सारे भाई दुख में है तो ये भाई, यहाँ किसी के घर में बैंड तो राशन नहीं आया है यहाँ पे। हम खुद वेंचर यहाँ पे, हम खुद बीपीएल कार्ड पे जी रहे हैं, इसको वेंचर चैंपियंस ड्राइवर करवा दे। बताओ सिगरेट उल्टी जला दी मैंने, इसके पहले फेंक देता था लेकिन अभी थोड़ी तंगी लगी है ना वेंचर, इसको ऐसे काट के पिएगा दीपक कला दे देगा। गोल्डी भाई ऊपर आओ यहाँ पे, कल वेंचर आज महीने की आज 31st है, 31st कल मैं खुद वेंचर जाने वाला हूँ गवर्नमेंट में से राशन लेने के लिए, और ये भाई बताओ बोल रहा है कि चैंपियंस ड्राइवर कराओ। अब वेंचर किडनियां भेज दे दीपक तेरे लिए। अभी तक तूने, अभी तक तूने मतलब तेरा तो यार मतलब 90,00,000 का तेरा ही तो एफडी सब है सारे, उसके ब्याज में से ही तू मतलब 3.5-4 लाख तो तेरा ब्याज ही आता होगा हर महीने। अरे गोल्डी भाई को रिक्वेस्ट नहीं गई, एक बार दोबारा भेज मारू के। हाँ दीपक
आप भेज रहा हूँ। गोल्डी भाई आप लाइन पे बने रहो एक मिनट। तेरी एक करोड़ की जो एफडी है उसका ब्याज ही तुझे हर महीने 2-3 लाख रुपया आता होगा। डबास भाई नहा धो के ताज में आ जाओ अभी आप। और आज अगर डबास भाई नहीं आए ना भाई, मम्मी कसम तो मेरी पूरी शॉपिंग ये डबास के कार में पड़ी हुई भाई, अभी तक आई नहीं है भाई डबास भाई। सिगरेट का खर्चा कितना है दिन का दीपक? अरे मेरा मतलब दिन का खर्चा मेरा 40-50 हजार है इधर। गोल्डी भाई लाइन पे आ। मतलब के 40-50 हजार इंक्लूडिंग योर रूम रेंट के उसको इंक्लूड नहीं करता तो रूम रेंट को? एक वगैरह वो सब इंक्लूड। अच्छा अच्छा, तो मतलब तेरे दिन का 20 हजार रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा है। वैसे तो ज्यादा है लेकिन बहुत बार अपने भाई पे कर देते। गोल्डी भाई लाइव पे आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइव पे आओ गोल्डी भाई। यार मतलब के यहां पे नशे करने है सब, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना बैंक को लेंड। ये बात तो है। अभी तक तूने अपनी जेब से कितने पैसे उड़ा दिए? 10 लाख? नहीं नहीं, मेरे मम्मी ने तो 5.5 लाख में कमरा किया था वहाँ पे, तो अभी मेरे जेब से। अरे रिक्वेस्ट नहीं आ रही, वो ऐसा बोल रहे प्रॉब्लम है, कुछ रिक्वेस्ट नहीं जा रही। फोन पे कॉल करता हूँ इधर भाई, गोल्डी भाई को हम लोग फोन पे कॉल करेंगे। एक मिनट, गोल्डी भाई को हम कॉल करेंगे फोन पे भाई। न्यूयॉर्क का इतना पैसे वाला बंदा है, उसके मुंह से निकला नहीं अभी तक भाई। क्यों निकलेगा साले, हम लोग मेहनत करते हैं, इधर दिमाग लगाते हैं, बैंचो डोलते थोड़ी रहते हैं पूरा दिन क्लबों में। गोल्डी भाई को मैंने कॉल लगाया। ओ गोल्डी भाई। हां बोलो। हां देख तेरा भाई दिक्कत में है, मेरे को अभी और 10-15 शैंपेन शेयर करने, रशियन चूक दिए। मैं अभी यहां पे ताज पैलेस में रुका हूं, अगर थोड़ी भी दिक्कत करता है मैं तेरे से ज्यादा नहीं मांग रहा। तू मेरे को 50 दे रहा है या नहीं, क्योंकि भाई मैंने कभी लाइफ में तुझसे पैसे नहीं मांगे। अरे भाई लेकिन अरे ओ भाई मेरे में अभी प्रॉब्लम में हूँ, आप मुझे मैं अरे, अरे पैसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिल जाएंगे तुझे, बट मुझे ये बता भोसड़ी के चैंपियन शावर का करेगा क्या? ताज होटल में तू रह रहा है, 50 हजार रुपए मांग रहा है, चोट तेरी लग गई है, झूठ झूठ तू बोल रहा है, सुनने में आया तेरे को पीटा है, फिर ऊपर से तू झूठ बोल रहा है, एक्सीडेंट हुआ है। अरे ओ भाई तुमको मैंने वारदात दिखाई, प्रूफ दिखाया, और तू मुझे एक बात बता। अरे वो वारदात उससे लड़के से बात हुई राहुल से, वो तो यू डोल रहा, उसके पास मर्सिडीज नहीं है, i10 है। अरे भाई अरे वो जो ओ भाई ओ भाई सुन ओ भाई, वो जो मर्सिडीज है ना, वो मैंने कॉमेडी में बोला था, वो तो मैंने कॉमेडी में बोला था मर्सिडीज। रुक मैं काम करता हूं, विनय भाई को मैं लाइव पे लेता हूं, विनय भाई को लाइव शेयर करो भाई। मेरी बात सुन, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बोल जितने भी अभी तक सबने जितने लोगों ने तेरा फेम खाया ना, सबको ऐड कर, सब तुझे पैसे देंगे, मैं भी दूंगा, पनोटी भी देगा, हर कोई देगा, जो एक बार भी जोड़ा स्नेजी भी देगी, हर कोई देगा, एक एक बंदा। और भाई पनौड़ी को मैंने सबसे ऊपर रखा था भाई, और मम्मी की कसम भाई मैंने पनौड़ी को कहा मुझे 2 लाख की जरूरत है, बट भाई ये बंदे ने है ना भाई गांड दिखा दी बहन के लोड़े ने। अरे साले हमेशा मैं क्यों तुझे पैसे देता रहूं दीपक? अरे साले तेरा फेम इतने लोगों ने खाया है, मतलब के इतने लोगों को तूने फेमस किया, तू 2-2 हजार रुपए ले लेता है, पूरा पूरा दिन तू लाइव पे बिठा रहता है, ठीक है भाई, मांग सब लोगों से भाई। तू सुन सुन, तू बोलता है कि भाई विनय ने मुझे 50 हजार दिए, तू बोलता है कि विनीत ने मुझे इतने दिए, भाई हमने तो कभी लाइव पे देखा ही नहीं, तू तो सिर्फ बोलता रहता है भाई, हमको दिखा, हमको दिखाएगा तभी तो हम मानेंगे ना भाई, ले विनय को लाइव पे, विनय तुझे 50 हजार, अगर तुझे विनय 50 हजार देता है ना, तो मैं और गोल्डी भाई दोनों तुझे 50-50 देंगे, बाप प्रॉमिस। मैंने ये नहीं कहा कि विनय ने 50 हजार दी, उसने कहा है डिस्को तेरे लिए फ्री है, मैं तेरे लिए मर्सिडीज भेजूंगा, खाना खा, पैसे वैसे मैं दूंगा। भाई देख कैश नकद की बात हो रही है, वैसे तो तू मतलब मैं दिल्ली में रहता तो भी मैं भी तुझे रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी बात सुन ले दीपक, बोलो कैश पैसों की बात हो रही है, कैश पैसों की। अरे सुन तो ले, सुन तो ले, बोलूं क्या? हां बोल। लाइव चल रही है, 1100 लोग बैठे, मेरी बात सुन ले, अच्छी लगे बुरी लगे, मेरे पास 1 रुपया नहीं है तेरे चैंपियन शावर के लिए, अगर तू प्रॉब्लम में है, तेरे को अपना इलाज कराना है, तेरे को खाना है, तू भूखा मर रहा है, उसके लिए मोस्ट वेलकम है, बट तेरे चैंपियन के लिए मेरा लंड है, मेरे लंड से शावर कर लियो, ठीक है? अरे भाई दिक्कत है भाई मेरे को कसम से भाई, चैंपियन शावर के लिए 1 रुपया नहीं है मेरे पास, समझ भाई बात, तेरे को पता है यहाँ पे मतलब अच्छा मान बुरा मान, देख भाई खुले दिमाग का आदमी हो, तेरे को प्रॉब्लम में है तो किसी भी दिन प्रॉब्लम में हो, किसी भी चीज की बात दिक्कत हो तुझे, एट अ टाइम खड़ा हूँ, किससे मदद करूंगा, बट ये फालतू के सिगरेट नशे पत्ती के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हवाबाजी के, ठीक है गोल्डी भाई, उस साइड मेरा रियल ब्रदर भी हो क्यों ना हो, ठीक है भाई, ओके। अच्छा ओ गोल्डी भाई सुनो,
भाई माँ कसम में दिक्कत में हो भाई कसम से। भाई की दिक्कत में तू ताज होटल में रह रहा, बढ़िया खा रहा, बढ़िया पी रहा है एवरी डे तू उसे, ठीक है। देर से कहा था मैं, तेरे चोट लगी है, सिगरेट मत पी, हल्दी का दूध पी, तेरे दारू नहीं रुक रही, तेरे सिगरेट नहीं रोक रहा, ऊपर से फिर तू कह रहा है कि मुझे जरूरत है, किसकी जरूरत है? तेरे को शैंपेन शावर के लिए पैसे चाहिए? कोई यहाँ पे बैंक की, मैं कोई भूखा मर रहा हूँ उसको कंबल दूंगा, इतनी ठंड पड़ रही है उसको पैसे दूंगा, मेरे दिल को भी सुकून होगा, तो दो मिनट में शैंपेन उछालेगा नीचे जमीन में डालेगा, उससे क्या हो जाएगा भाई? अरे मेरे अभी तक 15 चैंपियन शावर हुए, मैं चाहता हूँ कि 25 हो। आगे चूज चैंपियन शावर की बहन की चूज, काय का चैंपियन शावर बहन जो, किस बार का चैंपियन शावर? यहाँ बहन जो हम यूएसए में रहते हैं, हम बहन जो चैंपियन शावर नहीं करते, कभी यार दोस्त आए तो थोड़ी उछाल के बहन जो पी लेते हैं टोस्ट करके, किस बार का चैंपियन शावर? गुस्सा दिल रहा सुबह सुबह, मेरे को ये प्रॉब्लम हो कि भाई मेरे को गोल्डी भाई इलाज कराना है, मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को यहाँ से पैसे नहीं आ रहे, मैं भूखा मर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम एनी टाइम, चैंपियन शावर के लिए भाई 1 रुपया भी। अच्छा सुनो, हार्ड मनी है मेरी। हाँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को है ना मटन बिरयानी पसंद है, यहाँ पे मटन बिरयानी 4,000 की, तेरा भाई यहाँ पे चिकन बिरयानी खा के दीदी कर रहा है। तो भाई मटन बिरयानी खा मेरे, उससे ले भी ले, 5,000 की मटन बिरयानी खा, 2 मिनट में पैसे डाल रहा हूँ, बट तेरे चैंपियन शावर के लिए पैसे नहीं है, आई बात समझ में? चल फोन रख रहा हूँ मैं, पूजा करनी है मुझे। अच्छा सुनो, हेलो गोल्डी भाई, मुझे अभी डालो आप अभी। साल को गोल्डी पाई ने सही तो बोला। दीपक देख, हम अमेरिकन लोग हैं, हम लोगों को पैसों की वैल्यू होती है कि पैसे बैंक हम लोग कैसे कमाते हैं वो, ठीक है। और उन्होंने जो कुछ भी बोला वो सही बोला, भाई सैंपियन ना तू पीता है, बैंक तू सैंपियन मतलब ऐसे ही गिरा देता है, उससे क्या मिलता क्या है तुझे ये तो बता, मतलब ये थोड़ी सैंपियन सावर होता है। हेलो सचिन भाई, आप कहाँ तक पहुंचे हो? हेलो कहाँ तक पहुंचे आप? रिसेप्शन पे आ गया यार, मैं नीचे हूं। हाँ हाँ रुको, मैं आपको लेने के लिए आता हूँ, रुको रुको। ये कौन है सचिन भाई? प्लीज कुछ बुरा मत बोलना, ये मेरे वीआईपी गेस्ट है भाई। अरे मैं क्यों बुरा बोलूं भाई, तुम्हारा प्रोड्यूसर है ये दीपक? नहीं, वो मेरे लिए लीला बुक कर रहे हैं, होटल लीला। रुको, कितने दिन के लिए? नहीं, वो मेरे लिए 3 दिन के लिए बुक कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि मेरे को इधर ही कंटिन्यू करना है। उसका रीजन ये है ना भाई, मेरे को देख अभी ताज अच्छा लगता है, ये कह रहे कि हम लीला बुक कर रहा हूँ। अच्छा उनको बुला रहा हूँ। हाँ हाँ बुलाओ लाइव पे।